आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की सभी विधानसभाओं में विधायकों को 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए दिए जाने के बाद आज रादौर में विधायक डॉक्टर बिशनलाल सैनी ने खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में क्षेत्र के सभी सरपंचों की बैठक ली। बैठक में विधायक ने सभी सरपंचों को अपने अपने गाँव में करवाए जाने वाले विकास कार्यों का एस्टिमेट बनवाने की अपील की। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक बिशनलाल सैनी ने कहा कि सरपंच सरकार के बीच विकास की कड़ी है, बिना सरपंच के विकास कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो 5 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दे रही है, उसी संबंध में आज सरपंचों से विकास कार्यों के लिए बातचीत की है। जो सरकार जो 5 करोड़ रुपए दे रही है, वो हम सरपंचों से पूछ करके इनसे ही अच्छे अच्छे काम लेंगे और वो अच्छे अच्छे काम लेकर के उनका एस्टीमेट बनवाएंगे, एस्टीमेट बना करके सरकार को देंगे, मुख्यमंत्री जी को देंगे और वो पैसा वहाँ से आएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया। वहीं उन्होंने क्षेत्र में अवैध खनन व ओवरलोडिंग पर कहा, इनके कारण लोग दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं, इसलिए उनका यह पहला काम होगा क्षेत्र से इन दोनों पर लगाम लगाई जाएगी। ऐसे जो अवैध खनन है ना, इसने हमारे जिले का नाश कर दिया, इसने हमारे जमुना का भी नाश कर दिया और हमारी सड़कों का भी नाश कर दिया। और यहाँ के लोग जो हैं, ये नहीं पता कि सवेरे वो कोई काम जाते हैं, शाम को अपने घर पहुँचेंगे भी नहीं पहुँचेंगे। हर रोज़ 2 एक्सीडेंट डेली के हैं, एक एवरेज है। आप ये लगा लीजिए कि अगर 2 एक्सीडेंट रोज़ होंगे तो महीने में कितने होंगे, 60 मौतें होंगी, और साल में कितनी होगी। तो इसलिए ये मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई सबसे पहला काम मेरा यही है कि मैं इस अवैध खनन को रुकवाऊँ, और अगर मैं इसमें रुकवाने में ओवरलोडिंग में को बंद करवाने में कामयाब हो गया तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। वहीं उन्होंने कहा कि ओवरलोड के कारण टूटी पड़ी सड़कों की मरम्मत भी जल्द करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स भारत।